हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट सेशन 2023-24 का एक पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। और सबसे पहले है सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज। 12 और 16 का एलसीएम फाइंड करना है। सो 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 4 are 8, 3 as it is, 2 are 4, 3 as it is, 1 is 2, एंड 3 1 is 3 1। 1 1 आ गए। अभी इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16, 16 3 are 48। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नंबर्स विच हैव मोर दैन टू फैक्टर्स कॉल्ड। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सो एग्जैक्टली जिनके 2 फैक्टर्स हों जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल हो उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 5 इज। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ईजी है। यूनिट डिजिट या तो 5 या फिर 0 होनी चाहिए। सो इसमें यूनिट डिजिट 5 है, 425 में ये 5 से डिविजिबल होगा। एच सी एफ ऑफ 12 एंड 40 इज। दोनों के प्राइम फैक्टर्स करते हैं 12, 40। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 is 3, 2 20 10 5 1। अभी इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट दोनों का एचसीएफ होगी। सो एचसीएफ है 2 कॉमन है दोनों में, 2 इंटू, एक और 2 कॉमन है। अभी यहाँ 3 है लेकिन इधर नहीं है, और इधर 2 और 5 वो 12 के फैक्टर्स में नहीं है। सो 2 इंटू 2 4, 4 दोनों का एलसीएम एचसीएफ होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एवरी ब्लैंक ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर फैक्टर मल्टीपल नंबर। ओके, नन ऑफ दीज। सो अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 4 के मल्टीपल्स आपको लिखने हैं तो क्या होंगे, 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। और अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 12 के फैक्टर्स आपको लिखने हैं तो 12 1 की टेबल में आएगा 2 3 4 6 एंड 12। तो जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो नंबर के इक्वल होते हैं या फिर उससे ग्रेटर, उससे बड़े होते हैं सभी। जबकि फैक्टर्स के केस में वो या तो नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे छोटे नंबर्स होंगे सभी। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर, उस नंबर से ग्रेटर या फिर उसके इक्वल, तो ये होते हैं मल्टीपल्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन 85 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज। 85 और इसके डिजिट्स को अगर आप रिवर्स कर दें, यूनिट को टेंस और टेंस को यूनिट डिजिट बना दें, तो बन जाएगा 58। और दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा है, माइनस बोरो किया यहाँ से 7, 15, 15 माइनस 8 इज 7, 7 माइनस 5 इज 2, 27। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, 100,000 करोड़ अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं। और अगर इस कलेक्शन में हम 0 और ऐड कर दें तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। अभी ये होल नंबर्स है, और अगर नेगेटिव भी आ जाएंगे -1 -2 -3 अप टू -∞, तो ये पूरा कलेक्शन हो जाएगा इंटीजर्स का। और जब इसमें फ्रैक्शंस आ जाएंगे तो वो बन जाएंगे रैशनल नंबर्स। ओके, सो और रैशनल और इरैशनल मिलके बनेंगे रियल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर प्लस 0 का कलेक्शन होता है होल नंबर्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर, 1 के बाद 7 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1s 10s 100s 1000s 10,000 lakh 10 lakh करोड़, 1 करोड़। नेक्स्ट इज मेक द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1-डिजिट ट्वाइस बाय 3 8 एंड 7। 3 8 और 7 को यूज करके आपको ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाना है, और किसी भी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं। तो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं, सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर है उन सभी में उसको लिखते हैं, फिर स्मॉलर और लास्ट में स्मॉलेस्ट। अब किस डिजिट को आप 2 बार यूज़ करें, अगर आप यहाँ पर 77 यूज़ करेंगे, एक तो इस तरीके से बन सकता है, एक 88 यूज़ करके बन सकता है, और एक 33। कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है जिसमें 88 आया है, क्योंकि इसमें 8800 है, यहाँ पर 700 है और यहाँ पर 733 है। सो 8873 जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको ही हम 2 बार यूज़ करेंगे, 3 बार भी होता तो उसी को ही करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वी राइट 10 करोर्स फॉर।
इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10 करोड़, इंटरनेशनल में कितना होगा? सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये है 10 करोड़। अब इसको इंटरनेशनल में देखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सो ये हो जाएगा 100 मिलियन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी। राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ। सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिखने हैं नंबर्स के। सबसे पहले नंबर है 2440701, दिस इज 24 लाख। तो इसका प्रेडिसेसर यानी कि इससे पहला नंबर ये हो जाएगा, माइनस वन आप करेंगे तो ये वन हट जाएगा, 2440700। और सक्सेसर में आप वन ऐड करेंगे तो ये वन का टू हो जाएगा। सो दिस इज 2440702। नेक्स्ट नंबर इज, नंबर है 1099999। प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए सिंपल माइनस वन करेंगे, सो लास्ट में यूनिट डिजिट में जो 9 है वो 8 हो जाएगा। प्रेडिसेसर होगा 1099999 प्लस, सॉरी माइनस वन, प्रेडिसेसर मतलब उससे प्रीवियस नंबर। सो 1099999 एंड 8। सक्सेसर में 1 ऐड करेंगे सो सक्सेसर होगा 1059 प्लस 1। वन जैसे ही ऐड करेंगे 9 प्लस 1 10, 1 कैरी होगा यहाँ पर, फिर से 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 10, 1, सॉरी यहाँ पर 1, 10 अगेन, 1, 10, और यहाँ पर जो 1 जाएगा ये 1 हो जाएगा एंड देन 1। दिस इज नंबर था हमारा 10,99,999, उसका सक्सेसर हो जाएगा 11 लाख्स। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट इज राइट अ 9 डिजिट नंबर इन इंडियन सिस्टम। न्यूमरल्स में आपको इंडियन सिस्टम में 9 डिजिट का नंबर लिखना है एंड देन राइट इट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। फिर इंटरनेशनल सिस्टम में उसको वर्ड्स में लिखना है। सो आंसर नंबर 12, नंबर है 9 डिजिट का इन इंडियन सिस्टम। कोई भी नंबर हम लिखेंगे, राइट अ 9 डिजिट नंबर इन इंडियन सिस्टम एंड, ठीक है, कोई भी 9 डिजिट नंबर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही नंबर आपने लिखा तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में अभी इसका नाम लिखेंगे। नंबर नेम इज 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000। सो दिस इज 123 मिलियन, 123 मिलियन, देन 456,000, 456,000, 789, 789। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 9s इन द नंबर। इस नंबर में 2 बार 9 आया है, दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। सो जो हंड्रेड्स प्लेस पर है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 900, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, 90 लाख। और दोनों में डिफरेंस आप फाइंड करेंगे सो डिफरेंस होगा, आप लिखेंगे 90 लाख माइनस 900। सो 00, दिस इज 1998। सॉल्व करते हैं। नंबर था 7,952,986, प्लेस वैल्यू 900, इसकी प्लेस वैल्यू 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90 लाख। सो डिफरेंस 90 लाख माइनस 900। सो 0 माइनस 0 इज 0, 0 अगेन, ये 0 से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करना है, नहीं, ये यहाँ जाएगा, यहाँ देन, यहाँ फाइनली यहाँ से ये बोरो करेंगे, 8, 10, 9, 10,
टेन नाइन एंड फाइनली इसको 10 मिलेगा. नाउ 10 माइनस 9 इज 1, ये 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, 8 एज इट इज. सो आंसर इज 89,99,100. नेक्स्ट नेक्स्ट इज यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द नंबर 1258 इज डिविजिबल बाई 6. 6 का खुद का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है. अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, किसी एक से भी नहीं काम चलेगा, तो फिर वो 6 से डिविजिबल होता है. तो पहले हम इसको चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं. आंसर नंबर 14, 1258. ओके, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज यूनिट डिजिट इज 8. 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं. अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो फिर वो 2 से डिविजिबल होता है. सो 2 से डिविजिबल ये है. 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम इन सभी नंबर्स को प्लस करेंगे. सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. 1 + 2 + 5 + 8, 8 + 2 = 10, 15 and 1 = 16. सम इज 16. आप कहेंगे 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, क्योंकि सम 3 से डिविजिबल नहीं है. सो नंबर is also not divisible by 3. 2 से divisible है, 3 से नहीं है. हमने कहा था 6 से अगर होना है तो दोनों से होना चाहिए. कहने का मतलब है ये 6 से divisible नहीं होगा. So number is not divisible by 6. Okay, since it is not divisible by 3. Next. Next is fill in the blanks with appropriate greater than less than. ग्रेटर दैन और लेस दैन साइन. नंबर्स है सबसे पहले -9 and -15. नेगेटिव के केस में नंबर जितना ग्रेटर होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी ही स्मॉलर होती है. तो यहाँ पर -9 ग्रेटर होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे -9 आगे आता है, -15 पीछे इधर आएगा. नेक्स्ट है -10 and 10. पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से, क्योंकि नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड में आते हैं. आप नंबर लाइन से फाइंड कर सकते हैं, नंबर लाइन में जो नंबर्स राइट हैंड साइड में आएंगे वो ग्रेटर होंगे लेफ्ट हैंड साइड वालों से. वैसे भी जब हम नंबर्स लिखते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ ग्रेटर नंबर लिखते हुए जाते हैं. वैसा ही होता है नेगेटिव और पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनमें. तो ये ग्रेटर है. नेक्स्ट इज 0 and 3. ये तो ईजी है, 3 ग्रेटर है. -28 and 17. इसमें भी 17 होगा क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर है. नेक्स्ट इज सेक्शन सी. फाइंड द सम -13, -19, +15, +10. पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. आंसर नंबर 16. -13, -19, +15, -10. ओके, -13 एज इट इज, प्लस माइनस इज माइनस. साइंस की मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, दो सिमिलर साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है और डिफरेंट में हमेशा नेगेटिव. जैसे कि दो सेम साइन है प्लस प्लस, सो आंसर होगा +15. डिफरेंट है प्लस इंटू माइनस, आंसर होगा माइनस का 10. लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे. लाइक टर्म्स मतलब जैसे नेगेटिव नंबर्स हैं उनको एक तरफ ऐड करते हैं, पॉजिटिव को एक तरफ. पॉजिटिव इसमें एक ही है. पहले नेगेटिव को देखते हैं. -13, -19 और -10 को हम ऐड करेंगे. सो -13 and -19, 33 हो जाएगा. 32 and 10, 42. सो आंसर इज -42. ओके, नेगेटिव साइन वही रहेगा क्योंकि माइनस के 13 थे, माइनस के 19 थे, माइनस के 10 थे. तो तीनों ने मिलकर माइनस के 42 बनाया. और प्लस के क्या है 15. और प्लस माइनस के केस में एक नंबर अगर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव हो तो आंसर आएगा जो ग्रेटर नंबर है उस साइन का, और आप ग्रेटर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे. तो ग्रेटर है यहाँ पर 42, स्मॉलर है 15. 42 से माइनस करेंगे 15 को. 12 - 5 = 7. 3 - 1 = 2. 27. और 27 पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि -42 ज़्यादा थे. माइनस के 42 आए, इधर से प्लस के 15 आए, तो ऑब्वियसली इसमें ये क्योंकि ज़्यादा है नंबर्स यही जीतेंगे. और कितने ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है. आंसर होगा इनके क्लैश के बाद -27. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज सॉल्व -8 + 12 - 2 यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन को यूज़ करके इसे सॉल्व करना है. सो ये है हमारी नंबर लाइन. -8
माइनस एट तक लिखना है, सो ये सेंटर में होगा ज़ीरो, देन माइनस वन, सॉरी माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके स्टार्ट करते हैं, माइनस एट प्लस ट्वेल्व। नंबर लाइन पे जब भी आपको प्लस करना होता है हम राइट साइड में जंप करते हैं और माइनस के लिए लेफ्ट साइड में। सो सबसे पहले है माइनस एट, माइनस एट से हम स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर है पहले, आपको प्लस ट्वेल्व करना है। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व नंबर्स आपने जंप किए। कहाँ पर आप पहुँचे? फोर पर। तो यानी कि माइनस एट प्लस ट्वेल्व कितना होगा? माइनस टू, सॉरी फोर। अभी आपको माइनस टू करना है, माइनस टू मतलब लेफ्ट में हम दो जंप सॉल्व करेंगे। सो माइनस टू के लिए लेफ्ट में आते हैं, वन एंड टू। कहाँ पर पहुँचे आप? फाइनली टू पर। सो आंसर होगा टू, माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस टू इक्वल टू टू। आप ऐसे भी आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं। माइनस एट माइनस टू इज़ माइनस टेन, सेम साइन के साथ नंबर्स हैं। सो प्लस ट्वेल्व माइनस टेन कितना होगा? पॉजिटिव नंबर ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? दो ज़्यादा है, तो आंसर होगा प्लस के टू। प्लस साइन हम लिखते नहीं हैं, अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव नंबर ही माना जाता है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। 10,999 के बाद में आपको नेक्स्ट थ्री नंबर्स लिखने हैं। ये नंबर है, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? इसमें प्लस वन करेंगे, प्लस वन, नाइन प्लस वन टेन, ज़ीरो, वन कैरी, नाइन प्लस वन टेन, ज़ीरो, फिर से वन, टेन, ज़ीरो, फिर से वन, ये वन और वन, ये हो जाएगा 11,000। 11,000 के नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 11,000 प्लस वन, 11,001, वन। नेक्स्ट 11,001 प्लस वन नेक्स्ट नंबर होगा 11,002। ओके सो नेक्स्ट थ्री नंबर्स आर 11,000, 11,001 एंड 11,002। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज टू स्टिच अ शर्ट 2 meter 15 centimeter क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 meter 15 centimeter क्लोथ की कपड़े की ज़रूरत है। आउट ऑफ 40 meter 50 centimeter क्लोथ, 40 meter 50 centimeter क्लोथ से हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड? कितनी शर्ट्स को आप स्टिच कर सकते हैं एंड हाउ मैनी क्लोथ्स विल रिमेन? हाउ मच क्लोथ, कितना कपड़ा बच जाएगा? सो क्लोथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट, आंसर नंबर 17। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए ज़रूरत है हमें 2 meter 15 centimeter क्लोथ की। इसको प्रॉपर लिखते हैं, ये हो जाएगा 2.15 centimeter, डेसिमल के पहले मीटर बाद में सेंटीमीटर्स। देन वी हैव क्लोथ इक्वल टू 40 meter 50 centimeter, हमारे पास कपड़ा है 40 meter 50 centimeter यानी कि 40.50 meters। ओके नाउ नंबर ऑफ शर्ट्स, कितनी शर्ट्स बनेंगी इसमें? इक्वल टू, अगर हम कहें कि एक शर्ट को बनाने में 2 meter कपड़ा लगता है और आपके पास सपोज करिए 10 meter है, तो आप कितनी शर्ट्स बना सकते हैं? 5, 2, 2, 2, 2, 2, इस तरीके से 10 meter में 5 shirts बनेगी। 5 आंसर कैसे आएगा? अगर आप 10 को डिवाइड करें 2 से, तो कहने का मतलब है जो आपके पास क्लोथ है उसको आपको डिवाइड करना है जितना आपको एक शर्ट बनाने के लिए चाहिए। सो नंबर ऑफ शर्ट्स के लिए आप डिवाइड करेंगे 40.50 डिवाइडेड बाई 2.15, डेसिमल रिमूव करते हैं, यहाँ से हटेगा डेसिमल, ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हटेगा नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि सिंपली आपको 4050 को डिवाइड करना है 215 से। चलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं या प्रॉपर डिवाइड ही करते हैं, चलो 4050 215, 215 टू ज़ार होंगे 430, 15 टू ज़ार 30 एंड 2 टू ज़ार 4, 430 ज़्यादा हो जाएगा तो वंस पर टेबल जाएगी, दिस इज़ 215। माइनस करेंगे, माइनस 5 माइनस 5 इज़ 0, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 इज़ 9 एंड दिस इज़ 1, 190, 0 को हमने कैरी किया,
1900 पर टेबल कितने हज़ार चलेगी? 8 9000 तो नहीं, क्योंकि 9 2 नहीं चल सकती है। 59000 135, सो दिस इज 35 1, देन 9 2 ज़ार 18, 19 नहीं, 19 35 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 8 ज़ार जाएगी। 15 8 ज़ार 121, 8 2 ज़ार 16 17, 1720, 1720 माइनस करेंगे 0, 10 - 2 = 8, यहाँ 8 बचा, -7 = 1। सो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है? 18, और कितना क्लोथ बच जाएगा? 180 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 80 सेंटीमीटर्स। सो नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू 18 एंड क्लोथ रिमेनिंग क्लोथ इक्वल टू 180 सेंटीमीटर्स और 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, या फिर अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक बच्चे ने 56 से मल्टीप्लाई करने की बजाय एक नंबर को 65 से कर दिया है, हाउ मच वॉज इज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर? उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना डिफरेंट है? सो स्टूडेंट्स आंसर, बच्चे ने क्या किया, उसने किया है 7236 7236 को 65 से मल्टीप्लाई, 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65, और करेक्ट आंसर क्या था? करेक्ट आंसर होना चाहिए था 7236 मल्टीप्लाइड बाई 56। ओके, अब ये एक दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप पहले इसका आंसर निकालिए मल्टीप्लाई करके, फिर इसका, फिर डिफरेंस फाइंड करिए, या फिर आप डायरेक्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितने का होगा? ये माइनस ये, यानी कि 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65, इससे हमें माइनस करना है 7236 मल्टीप्लाइड बाई 56। 7236 कॉमन लेते हैं, 65 बचेगा यहाँ पर, ये चला गया बाहर, ये गया, तो -56 बचेगा, -56। सो दिस इज 7236 मल्टीप्लाइड बाई 9, 65 माइनस 56 9। नाउ 9 6 ज़ार 54 5, 9 3 ज़ार 27 5 7 12 1 3 3 कैरी होगा 2, 9 2 ज़ार 18 18 + 3 19 20 21 1 2 कैरी हुआ 7 9 ज़ार 63 64 65 आंसर इज 65,124 आंसर ज़्यादा आ गया है। ओके, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी। The number of sheets of paper available for making notebook is 75,000. आपके पास 75,000 पेपर की शीट्स हैं, जो कि जिनको यूज़ करके आपको नोटबुक्स बनानी है। ईच शीट मेक 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। अब वो जो शीट्स हैं बहुत बड़ी होंगी, उनसे 8 नोटबुक के पेजेस बन सकते हैं, इस तरीके से एक पेज बनेगा ये एक पेज। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस, एक नोटबुक में 200 पेजेस मिला के एक नोटबुक बनती है। पहला क्वेश्चन तो यही है, हाउ मेनी पेजेस कैन बी मेड फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर्स अवेलेबल। हमारे पास 75,000 शीट्स थी और एक से बनते हैं 8 पेजेस, सो टोटल कितने पेजेस बनेंगे? आंसर नंबर 18 पार्ट ए, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू 75,000 × 8, क्योंकि एक से 8 बनते हैं, तो 75,000 से कितने बनेंगे? 75,000 × 8 000 8 5 ज़ार 40 4 8 7 ज़ार 56 एंड 4 is 60, सो आंसर इज 6 लाख। 6 लाख शीट्स, 6 लाख पेपर्स उससे बन सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर्स अवेलेबल। आपके पास 6 लाख पेपर्स हैं और एक नोटबुक को बनाने में 200 पेजेस लगते हैं, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी होंगी? पार्ट बी, नंबर ऑफ नोटबुक्स इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 200। उन 6 लाख पेजेस को आपको 200-200 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आपको पता लग जाएगा कितनी नोटबुक्स हैं। 00 कैंसिल, 2 3 ज़ार 6 एंड 000 3,000 नोटबुक्स। ओके, नेक्स्ट इज, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर्स।
फैक्टर ट्रीज तो दिया ही नहीं है। 19 क्वेश्चन, आप फैक्टर ट्री बना सकते हैं वैसे 60 का। कैसे बनेगा? कोई भी दो नंबर्स जो आपको याद आते हो, जिन जो 60 के फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 6 10s are 60। ओके, अब 6 को के फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं 2 into 3। तब तक ये फैक्टर ट्री चलता रहता है जब तक एंड में जो लास्ट ब्रांच है उसमें एक प्राइम नंबर नहीं आ जाता जिसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते। जैसे 2 और 3 है, ऐसे 10 के फैक्टर्स होंगे 2 and 5। ओके, सो फाइनल जो फैक्टर्स हैं 60 के वो हो जाएंगे 2 into 3 into 2 into 5। और अगर एक तरीके से और बनाना है 60 12 5s are 60, सो 12 के फर्दर फैक्टर्स 6 2s are 12, फिर 6 के 3 2s are 6। तो लास्ट ब्रांच पे देखते हैं 3 2 2 5, सेम ही है 2 3 2 5, 60 equals to 2 into 3 into 2 into 5। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेक्शन ई। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स ऑफ टू और मोर, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाइएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। ये तो हमें पता है, दो नंबर का HCF अगर हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल 12 और 16, दोनों के फैक्टर्स हम लिखेंगे। 12 किसकी टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 and 12। 16 1 2 4 8 and 12 सॉरी 8 और 16। अब इनका जो हाईएस्ट फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वैसे 1 भी कॉमन है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्योंकि 4 है तो दोनों का HCF 4 होगा। ओके, ऐसे मल्टीपल के केस में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम सबसे लीस्ट छोटा नंबर देखते हैं जो उन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। ओके, ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, दो लगातार इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 होता है। आप कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 14 और 16 किस किस की टेबल में ही आएंगे? 2 1 2, देन 7 3 4 5 6, 2 7 7 and last 14। ऐसे 16 के फैक्टर्स 1 2 4 8 and 16। सो दोनों का कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो 2 है। तो दो कॉन्स्टेंट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 होता है। सो आंसर इज 2। HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो लगातार ऑड नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जांपल 13 and 15, तो 13 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 और 13 है, 15 के हैं 1 then 3 5 and 15, उनका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज टू टैंकर्स कंटेन 850 liters and 680 liters ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। दो टैंकर्स हैं, एक में 850 लीटर ऑयल है, दूसरे में 650 लीटर्स हैं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब आपको वो कंटेनर बताना है, अगर आपको इनको मेजर करना है कि क्या एक्चुअली में 850 और 650 हैं, 680 सॉरी 680 लीटर ऑफ ऑयल इन दोनों में है या नहीं, तो वो कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो इन दोनों नंबर से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, क्योंकि हमने देखा जो HCF है उसका आंसर हमेशा स्मॉलर आता है और LCM का आंसर हमेशा दोनों से ग्रेटर आता है, क्योंकि ये मल्टीपल है और मल्टीपल या तो नंबर के इक्वल होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको ऑयल मेजर करना है, मान लीजिए एक टैंक में 10 लीटर ऑयल है, तो उसको मेजर करने के लिए 10 लीटर से बड़ा बर्तन तो आप नहीं लाएंगे, 2 लीटर का ला सकते हैं, 2 लीटर से 5 बार इसको मेजर कर सकते हैं, 5 लीटर का ला सकते हैं, 2 बार मेजर कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी, उसमें जो ऑयल है उससे कम होनी चाहिए, और कम आंसर किसका आता है? HCF का। तो मतलब आपको इन दोनों का HCF फाइंड करना है। सो HCF ऑफ 850 and 680 वो हो जाएगी कंटेनर की कैपेसिटी। प्राइम फैक्टर्स करेंगे और जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी प्रोडक्ट HCF हो जाएगी। 2 4s are 8 2s are 4 5s are 10 5 6 7 8 9 10 11 3 से नहीं जाएंगे 5 5 8s are 40 5 5s are 25 5 1s is 5 6 7 8 35 7s are 35 17 1s is 17 then 682 3s are 6 4s are 8
टू वन सिक्स टू सेवन जार फोर्टीन जीरो टू एट जार सिक्सटीन फाइव एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सॉरी एट प्लस फाइव इज थर्टीन तो थ्री से नहीं जाएगा फाइव से चेक करेंगे फाइव वन सिक्स फाइव सिक्स सेवन एट थर्टी फाइव सेवन जार थर्टी फाइव सेवनटीन वन सिक्स सेवनटीन सो एच सी एफ होगा कॉमन फैक्टर्स देखते हैं टू इंटू फाइव इंटू सेवनटीन फाइव टू जार टेन टेन इंटू सेवनटीन इज वन हंड्रेड एंड सेवेंटी तो जो कंटेनर है जो दोनों को मेजर कर सकता है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में वो होगा 170 लीटर्स का 170 लीटर्स इसको पांच बार मेजर कर देगा 170 इंटू फाइव और 70 34 इसको चार बार मेजर करेगा 680 को ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज इन अ मॉर्निंग वॉक थ्री पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर मॉर्निंग वॉक के लिए तीन लोग एक साथ चलते हैं उनके जो स्टेप का मेजरमेंट है पहला एक स्टेप में 80 मीटर डिस्टेंस कवर करता है दूसरा 85 करता है और तीसरा 90 करता है ओके तो ये 80 चलेगा फिर दूसरे स्टेप में 160 240 इस तरीके से दूसरा 85 के स्टेप्स होंगे और तीसरा आगे होगा ऑब्वियसली व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स कितनी मिनिमम डिस्टेंस तीनों वॉक करें कि कंप्लीट स्टेप्स में वो उस डिस्टेंस को कंप्लीट कर सकें तो फिर से हम यही देखेंगे कि जो आंसर हमारा आएगा वो इन तीनों से ज़्यादा आएगा या कम आएगा एक ही स्टेप एक पर्सन का 80 सेंटीमीटर का है तो उससे कम डिस्टेंस तो वो क्या ही कवर करेगा यानी कि आंसर तीनों से ग्रेटर आने वाला है और ग्रेटर आंसर किस में आता है एलसीएम में कि मल्टीपल्स ही ग्रेटर होते हैं तो तीनों का एलसीएम आपको फाइंड करना है नंबर्स हैं 80, 85 एंड 90 इसमें तीनों अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है कंबाइन करके भी हम कर सकते हैं 240, 85 टू से नहीं कैंसिल होगा 90 हो जाएगा 45 टाइम्स फिर टू से करेंगे जब तक टू से हो सकता है कोई भी एक नंबर तब तक हम करते रहेंगे 20 हो जाएगा 85 एज इट इज़ 45 भी नहीं होगा फिर टू से 10 फिर टू से 5 एंड 45 फिर क्या कोई थ्री से हो सकता है इनमें से ये 5 है 8 प्लस 5 13 ये नहीं होगा 5 प्लस 4 9 45 हो सकता है तो थ्री से करेंगे 5 तो नहीं होगा 1 से 3 5 आर 15 फिर थ्री से फाइव ज़ार फिफ्टीन अब फाइव से करेंगे फाइव जो हमारे लगातार प्राइम नंबर्स हैं जैसे पहला टू है उसके बाद थ्री है फाइव है सेवन है हम इन्हीं से चेक करते हैं सो फाइव से होगा वन सेज फाइव फाइव वन सिक्स सेवन एट एटी फाइव सेवन एंड देन फाइव वन सेज फाइव सेवनटीन सेवनटीन से ही जाएगा एंड देन वन तो अभी इन सभी नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 वो आपका आंसर होगा उतने सेंटीमीटर डिस्टेंस आप उसको मीटर किलोमीटर्स में चेंज कर सकते हैं जो तीनों कंप्लीट कर सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स में सो 2 इंटू 2 4 2 जार 8 2 जार 16 देन 3 3 जार 9 9 5 जार 45 इंटू 17 17 5 जार 85 8 ओके इसको सॉल्व कर लेंगे आप देन 17 फोर जार 68 एट एट 16 सेवन 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 ही हो जाएगा 765 इंटू 16 16 फाइव जार 80 80 जीरो 8 16 सिक्स जार 96 8 सिक्स 14 1 10 4 16 सेवन जार 112 122 शायद ये होगा 12,240 सेंटीमीटर यानी कि 122 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर्स ये वो डिस्टेंस है जिसको तीनों कवर कर सकते हैं इन एग्जैक्ट स्टेप्स ओके इन कंप्लीट स्टेप्स दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था फोर्थ क्लास सॉरी सिक्स क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग